आज के कोर के मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 3 तारीख से हमारी जो महाराष्ट्र में पदयात्रा पूरे महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है उसकी एक पूर्व तैयारी की मीटिंग हुई, जो हाल ही में हमने 48 लोकसभा क्षेत्र में जो अफसर भेजे थे उनका ही एक रिव्यू हमने लिया और लोकसभा की तैयारी की पूर्व तैयारी के लिए जो भी उपाय योजना करना पड़ते हैं उसकी तैयारी। नाना एनसीपी को लेकर कोई चर्चा हुई है कि पवार साहब और अजीत दादा की जो बैठक चल रही है उसे लेकर कोई बात हुई है? देखो उनके दल की बात है, खुद पवार साहब उसमें निर्णय लेने वाले हैं। पवार साहब ने भी कह दिया कि मैं इंडिया अलायंस के साथ रहूँगा और जो भी है उनके दल का इशू है उस पर वो चर्चा कर 31 की जो इंडिया अलायंस की मीटिंग है उसमें और वो खुद बात हमारे हाईकमांड के साथ करेंगे। महाविकास अघाड़ी में आपको सुप्रिया सुरे सुप्रिया सुरेंद्र का बयान हो रहा है एनसीपी को छोड़कर कांग्रेस और शिवसेना चुनाव लड़ सकती है, प्लान भी है? देखो ऐसा कोई नहीं है, हमने बार बार यही कहा है कि महाराष्ट्र ये कांग्रेस बेस रहा है और कांग्रेस की वोट बैंक महाराष्ट्र के हर जगह है और इस बहाने हम लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट बैंक को हम लोग पूरे ताकत के साथ खड़ा करके जो अलायंस होगा उस अलायंस में जो हमारे साथी रहेंगे वहाँ पर हमारे अलायंस के माध्यम से उनको पूरी ताकत दी जाएगी कि महाराष्ट्र से बीजेपी को पूरे सत्ता से उखाड़ने का एक प्लान जो हमने बनाया वही हमारा बे प्लान है और उसके लिए तैयारी हमने शुरू की है और अलायंस को उसका फायदा। और उसको लेकर अभी जितेंद्र रावण का कहना है कि उन्होंने कई बार साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर कांग्रेस में साफ करें हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है। नहीं, हमारे कांग्रेस के तरफ से कोई भी पवार साहब के बारे में संभ्रम नहीं है, जो जनता में संभ्रम हुआ है जिस तरह से लोगों में बातें चल रही है उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया। कांग्रेस से कांग्रेस की तरफ से शरद पवार जी के बारे में कोई संभ्रम नहीं है। दो कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं, पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि शरद पवार साहब को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा देने का कोई ऑफर दिया गया है। वडेट्टीवार कह रहे हैं कि अजीत पवार जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जब तक शरद पवार एनडीए के साथ नहीं जाते। सर मराठी ये हिंदी में नहीं, तो मैंने कांग्रेस के तरफ से अपना बयान मैंने आपके सामने स्पष्ट रखा है। शरद पवार जी का उनका एक अलग दल है, वो दल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा मैंने कई बार आपको स्पष्ट किया है कि वो उनका निर्णय शरद पवार जी लेंगे, हमारे में कोई संभ्रम नहीं है उसके भी बारे में हमने स्पष्ट किया है। और एक बात आप लोगों ने याद रखना चाहिए कि हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं हमारा टारगेट बीजेपी है, हमें और हमारे साथियों को, और हमने एक और बात को स्पष्ट किया है कि जो बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे उनको हम साथ में लेकर चलेंगे, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। रही जो भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है और 31 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें हमारे हाईकमांड ये सब चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगी, क्योंकि शरद पवार जी एक बड़े नेता है और उनसे चर्चा करने के लिए हमारे हाईकमांड से उनकी चर्चा होगी। देखो आज जो कुछ सर्वे आ रहा है वो सर्वे में हमारी अलायंस की सीटें जो दिखा रही है वो 40 से 42 सीटें अलायंस की हमारी दिखा रही है, तो ऐसे समय में बड़े पैमाने में महाराष्ट्र की जनता अलायंस के साथ खड़ी है ये स्पष्ट होता है। नाना कितने लोकसभा सीटों की रिपोर्ट आई है अभी तक और कितने का रिव्यू आप ले रहे हैं हिंदी में? ये कितने का रिव्यू आया है?
कितने का रिव्यू आया नाना? मैंने बताया ना आपको कितने की आज कितने का रिव्यू ले गया? मैं पूरे सीटों का बताया ना आपको अलायंस के लिए। मराठी मराठी जागांचा पवार साहब खुद निर्णय लेने में कैपेबल है और इसमें हमारे हाईकमांड पूरी नज़र रखे हैं और 31 तारीख को जो अलायंस की मीटिंग है वो मीटिंग में ये सब चर्चा होगी। हमारा कोई मत नहीं है। पवार साहब एक बड़े नेता है, वो इसके बारे में वो खुद ही और हमारे हाईकमांड उनके संपर्क में है और हाईकमांड के लेवल पे ये सब चर्चा चल रही है। राष्ट्रवादी बिना कांग्रेस का प्लान बी तैयार है का निवडणूक लढवण्यासाठी? आम्ही बिना नाही, आमचं महाविकास आघाडी म्हणूनच आमचा प्लॅन चालू आहे। आम्ही 48 जागेमध्ये जे काही आता रेव घेतलेला आहे त्या रेव मध्ये आम्हाला जे काही आता स्पष्टता येते आहे जवळपास 42 ते 42 जागेवर महाविकास आघाडीचा विजय निश्चित आहे अशा पद्धतीचं चित्र आम्हाला सामोर येत आहे। त्यामुळे आमचा कुठलाही बी प्लॅन नाही आहे, आमचा एच प्लॅन आहे। पण महाराष्ट्र हा काँग्रेस बेस राहिलेला आहे, शाहू फुले आंबेडकर विचाराला काँग्रेसने नेहमी जोपासलेला आहे आणि ह्या विचाराची ताकद महाराष्ट्रामध्ये मोठी आहे आणि म्हणून काँग्रेसचे जे वोटर्स आहेत त्यांना सगळ्यांना एकजूट करणं हा प्रयत्न काँग्रेस करतो आहे आणि ते काँग्रेसला त्याच्यामध्ये यश आलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे जे काही आमचं अलायन्स होईल, जे काही आमच्या अलायन्सला जागा सुटतील त्यामध्ये आमच्या अलायन्स मित्राला त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे आणि ती तयारी आम्ही करतो आहे। त्याला ए आणि बीचा प्लॅन नाही आहे। बघा, शरद पवार साहेब एक स्वतः वरिष्ठ नेते आहेत, त्यांच्या पक्षाचा निर्णय ते घेऊ शकतात, त्याबद्दल त्यांच्या पक्षातली काही जी भूमिका असेल ती ते मांडतील। पण जे काही संभ्रम जो निर्माण झालेला आहे ज्याच्याबद्दल जी काही माहिती असेल ती 31 तारखेला जेव्हा अलायन्सची मीटिंग होईल इंडिया अलायन्सची त्यामध्ये या सगळ्या गोष्टीची चर्चा होईल आणि पवार साहेब वरिष्ठ नेते आहेत ते त्याच्यामध्ये आपली स्पष्टता करतील। बोलणं झालेलं आहे त्यांचं, खरगे साहेब पण बोलले, त्यांच्यासोबत चर्चा झाली आणि पवार साहेबांनी जे काही मीडियाला सांगितलं त्याचप्रमाणे खरगे साहेबांना त्यांनी सांगितलं। मुख्यमंत्री अखेर स्नेहपूजन काँग्रेसकडून मी तुम्हाला माझं काँग्रेसचं मत आपल्याला मांडलेलं आहे, त्याच्यामुळे बाकी कुठल्याही गोष्टीकडे जाऊ नका। मुख्यमंत्र्यांनी आज स्नेहभोजन ठेवलंय मंत्र्यांसाठी, अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात कोण नाराज आहे कोण नाही हे सगळं सुरू होतं, अखेर आता सत्तेतली नाराजी मिटली असं दिसतं की असं काय स्नेहभोजनाला डिप्लोमसी? बघा, मी तुम्हाला सांगत आहे जे बरं झालं तुम्ही चांगला मुद्दा उपस्थित केला, महाविकास आघाडीमध्ये फार काही गडबडी आहे असं नाही पण सरकारमध्ये मोठी गडबड आहे। दोन उपमुख्यमंत्री सातत्यानं मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर डोळा ठेवून आहे हे आम्ही सांगतो आणि ते तुम्हाला थोड्याच दिवसात पाहायला मिळेल। एक दुसरं, या सगळ्या सत्तेच्या रस्साखीसमध्ये गंमत जम्मतमध्ये आपल्याला एक गोष्ट पाहायला मिळतं, आरोग्य व्यवस्था सगळ्या बिमार झाल्यात, निर्दोष लोकांचा जीव चालला, पाऊस पडत नाही त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात, ज्या ठिकाणी जमीन खरबडून गेल्या त्याची अजून मदत दिली गेली नाही, ज्या ठिकाणी तिबार पेरणी झाली तिथं अजून मदत केली नाही, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला विद्युत नाही, 8 तास विद्युत देतात त्याच्यामध्ये सुद्धा पूर्ण वेळ देत नाही, शेतकऱ्यांच्या शेती वाळते आहे अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे। महागाईवर सरकारचं कुठलाही कंट्रोल नाही, सामान्य लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे आणि या सरकारमध्ये फक्त सत्तेमध्ये बसून मलाई खाणं, जनतेच्या घामाचा पैसा लुटणं आणि बेरोजगारांकडून नोकरीचं आमिष दाखवून प्रायव्हेट ज्या त्यांच्या बगलबच्च्यांना जे काम दिलेलं आहे त्या माध्यमातून ऑनलाईन पैसे गोळा करणं आणि त्या माध्यमातून एक तरुणांची लूट करणं, आर्थिक लूट करणं आणि बेरोजगारी वाढवणं अशा पद्धतीचं काम महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं आहे आणि म्हणून हे सरकार जे आहे महाराष्ट्रातलं हे महाराष्ट्रासाठी एक प्रकारचं घातक
आणि नुकसानदायक सरकार महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतोय आणि या सत्तेमध्ये ज्या पद्धतीने रस्साखेच चाललेली आहे ती रस्साखेच आपल्या लक्षात येतं. आता एक उपमुख्यमंत्री दिल्लीत आहेत, एक उपमुख्यमंत्री कुठल्या कामात आहे माहीत नाही, मुख्यमंत्री बिचारे आपल्या नाही, आणि एक मुख्यमंत्री जे आहेत ते आपल्या ठाण्यामध्येच आहेत. त्यामुळे हे सगळी जी परिस्थिती आहे राज्य हे वाऱ्यावर सोडल्या गेलेल्या सारखी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे आणि ही भयानक आहे. राज ठाकरे इकडिकडे शेतकरी आत्महत्या करतात आहेत, एकीकडे तरुण आत्महत्या करत आहे. मी परवा पुण्यामध्ये होतो त्या ठिकाणी 218 लोकांनी शहरामध्ये आत्महत्या केलेल्या आहेत हे मला पुण्याचा आकडा मिळाला. बेरोजगारी, व्यवसायामध्ये लोकांना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं, हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा आर्थिक बोजा उचलू शकत नाही, घर खर्च चालू शकत नाही, अशा स्थितीमध्ये 218 कुटुंबांनी त्या ठिकाणी पुण्यात आत्महत्या केली त्याचा आकडा परवा मला मिळाला. पण महाराष्ट्रामध्ये शहरातही हीच परिस्थिती आहे, पण सरकारची ती भूमिका स्पष्ट होते की लोक मेलेत तरी चालतील, पण सत्ता आमच्याजवळ असली पाहिजे आणि ही भाजप प्रणित व्यवस्था जी आहे त्याच पद्धतीचा दृष्टिकोन ठेवून राज्यात आणि देशात सत्ता करते असं चित्र आपण पाहतोय. नाराज जिस तरीके से राहुल गांधी की बात दो दिन पहले आपने की थी, राहुल गांधी खुद बात करने वाले हैं शरद पवार साहब से और उद्धव ठाकरे जी से, क्या उनकी चर्चा हुई और आप लोगों की किस तरीके की चर्चा हुई, जो संभ्रम की स्थिति उसको कैसे दूर कर रहे हैं? देखो हमारा कोई संभ्रम नहीं है, शरद पवार जी एक बड़े नेता है, वो उनके पार्टी का निर्णय लेने में सक्षम है, वो लेंगे. और रही इंडिया अलायंस के बारे में, उन्हें स्पष्टता बताइए कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, तो एक बार उन्हें अपने तरफ से कह दिया, वो हमारे हाईकमांड के लेवल पे वो चर्चा होगी. अभी हम लोग अभी इंडिया अलायंस का मीटिंग अभी हम लोग करने जा रहे हैं, दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वहाँ से कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर आए, वो पूरे 31 और 1 तारीख की मीटिंग का आढ़ावा लेने आए हैं, जायजा लेने आए हैं, और उसके आधार पर ये मीटिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि देश भर से कई दल के नेता यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसे बड़ा मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, और उसकी तैयारी करने में हम जुटे हुए. और इंडिया अलायंस का ये मीटिंग मुझे विश्वास है कि देश को दिशा देने वाली रहेगी. कांग्रेस के दो नेताओं के जिस तरीके के बयान शरद पवार को लेकर आए थे, बतौर पार्टी अध्यक्ष आप उसे कैसे देखते? देखो कुछ इनपुट अपोजिशन लीडर को या माजी मुख्यमंत्री जी को मिला होगा, उसके आधार पर उन्हें बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस का बयान मैंने जो कहा है उसी आधार पर हमारा कांग्रेस का बयान. आप लोग विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं, कोई प्लान बी की बात हमारे तरफ से निकली नहीं है, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमारा प्लान बी बन चुका है, हम ए प्लान पे चल रहे हैं. और हमने बार बार कहा है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जिस तरह से एक तानाशाह प्रवृत्ति की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, महिलाओं की बेअब्रू करने वाली सरकार केंद्र में बैठी हुई है, देश में महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है. कल ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हमने महंगाई नहीं बढ़ाई, विदेश ने बढ़ाई. इस तरह का जो गुमराह करने का, जो लोगों को हजम न हो ये बातें रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, जो डॉलर की बात करते थे कि रुपया डॉलर से बड़ा होगा, अब रुपये की क्या स्थिति होगी आप सब लोगों को पता है. देश के आर्थिक नीतियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल नहीं सके, उसी का परिणाम है कि आज देश में महंगाई बढ़ते जा रही है, अब गरीब लोगों को जीना दुभार हो गया है. और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी और लाल किले से इस तरह का भाषण देते हैं तो लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम करते हैं. और ऐसी तानाशाह प्रवृत्ति को हमारे को देश की सत्ता के बाहर निकालना है, और इसलिए कांग्रेस महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में जाकर इस तानाशाह केंद्र की सरकार की जो इस तरह का घमंड है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 2000
जो अगला जो 15 अगस्त आएगा तो मैं और वापस आऊंगा इस किले पे। तो इस तरह का घमंड इस लोकतंत्र में किसी ने नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और जनता आज उस बात को और गुस्सा जनता में हो गया कि एक तरफ देश को संभाल नहीं सक रहे, देश की संपत्तियां बेच कर देश चला रहे, देश में महंगाई बढ़ाते जा रहे, देश में बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे, देश को किसान को आत्महत्या करवाने लगा रहे और देश में गरीबी बढ़ा रहे हो, और ये सब होते हुए भी और मैं आऊँगा अगली बार इस तरह का वक्तव्य कर लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किया है। और ये सब जो व्यवस्था है उसको बदलने का काम कांग्रेस महाराष्ट्र में कर रही है, और उसके लिए मैं हमारा प्लान जो है हमारा ए और बी प्लान जो है बीजेपी की सत्ता से वापसी करना, उसको उखाड़ के फेंकना, यही हमारा दायित्व हो जाता है और उसके लिए कांग्रेस काम में लगी। सवाल लूंगा आपसे मैं, जिस प्रकार से गतिविधि हो रही है, आपको नहीं लगता कि आज जिस प्रकार से बयान आ रहे ऐसे स्थिति में क्या यदि कोई अघाड़ी से कोई भी पार्टी दूर चले जाता है या गठबंधन तोड़ देता है तो क्या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या उद्धव गुट के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, तमाम ऐसे बातों पर आपको नहीं लगता जवाब देना चाहिए? देखो मुझे ये पता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ने वाले हैं, यही कांग्रेस को पता है, और जो बीजेपी के विरोध में जो दल है उनको साथ में लेकर लड़ेंगे, ये कांग्रेस की भूमिका है। तो इसलिए जर और तर में हम लोग जाएंगे नहीं, हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है।